एक दिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम सैर करते करते बाहर तशरीफ ले गए। वहाँ एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ था, उनके ऊंट चर रहे थे। एक खुशकिस्मत सुर्ख रंग का ऊंट था जो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद आ गया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने काफिले वालों से पूछा कि ये ऊंट बेचना है? पता नहीं उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था। जब मेरे हुजूर ने पूछा कि ये ऊंट बेचना है, उन्होंने कहा जी बेचना है। अच्छा कितने का बेचना है? कहा जी इतने का बेचना है। सौदा तय हो गया, बातचीत हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कोई ताजिर की गर्ज से तो आया नहीं कि कम साथ लेके आता, मैं तो सैर करता आ निकला। तुम्हारा ऊंट मुझे पसंद आ गया और सौदा तय हो गया। ऐसा करो कि ऊंट मुझे दे दो, मैं घर जाकर इसकी कीमत आप तक भेज देता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ऊंट पकड़कर घर की तरफ चल दिए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी नजरों से ओझल हुए तो वो एक दूसरे को कहने लगे यार ये जो शख्स ऊंट लेकर गया है इसका पता भी किसने पूछा है कि इसका पता क्या है, इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, ऊंट लेके चला गया है और उधार लेके गया है। जब किसी को नकद सौदा दिया जाए तो उसका अता पता पूछने की जरूरत नहीं होती, और जब किसी को उधार दें या तो आप उनको जानते हो या तो दरमियान में उसका जामिन कोई हो। एक दूसरे को कहने लगे ओ नादानो, एक शख्स आया है और तुमने उसका अता पता नाम तक नहीं पूछा, कीमती ऊंट पकड़ के दे दिया, और क्या तुम सबकी अकल पर पर्दा आ गया था? कम अज कम उसका नाम तो पूछ लेते। एक बोला यार मैं क्या करता, वो बातें करते थे मुंह से फूल झड़ते थे। दूसरा बोला यार मैं तो उसकी आंखें ही देखता रहा। जब उन्होंने ये गुमान किया कि हमने कीमती ऊंट जाय कर दिया है तो अब तक खामोश बैठी सरदार की बीवी ने खैमे से पर्दा उठाया, कहा खबरदार किसी ने भी उसके खिलाफ अगर बात की तो, अगर वो शख्स तुम्हारे ऊंट की रकम देने ना आया तो मुझसे ले ले, मुझसे ले लेना, मैं उस शख्स की जामिना हूँ। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तू उसे जानती है? कहा नहीं मैं भी नहीं जानती। कहा जब जानती ही नहीं फिर जमानत से दे दी? कहा जब तुम सौदा कर रहे थे तो मैं खेमे के अंदर से देख रही थी कि जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठ बोलता ही नहीं, वो धोखा दे ही नहीं सकता, अभी तुम्हारे पैसे आने वाले हैं। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम आ गए पैसे लेके, कहने लगे कौन है वो लोग जिससे हमारे आका ने ऊंट खरीदा है? कहा जी हम लोग हैं। साहबा ने कहा ये लो तुम्हारे ऊंट की रकम, ये लो तुम्हारे ऊंट की कीमत। उन्होंने कहा भाई कीमत बाद में देना, पहले ये बता कि वो महबूब रहता कहाँ पे? साहबा ने कहा सामने मदीने में उस महबूब के डेरे हैं। कहा फिर रकम भी अपने पास रखो, ऊंट भी अपने पास रखो, हमारे दिल भी अपने पास रखो, हमें तो अब दिन रात उस महबूब का दीदार ही चाहिए। हाय मेरे हुजूर की सूरत ही क्या देखी, ऊंट भी बिक गया, खुद भी बिक गए, सारा का सारा काफिला मुसलमान होकर हुजूर की गुलामी में आ गया।